समझे ना। और उससे चारों कॉर्नर पे इक्वल मासेस हैं, समझे ना। ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में रखा था, सर्कुलर ऑर्बिट पर इक्वल मासेस एम लगे हुए हैं। बता रहा था कि इक्वल मासेस एम जो ए डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर, म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, ठीक है। बता रहा है चार मासेस हैं एम 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 एम, ठीक है, ए डिस्टेंस पर है स्क्वायर के शेप में, और म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ईच मास, ठीक है, हर मास की ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी। अब देखो सभी मास की ऑर्बिटल स्पीड सेम होगी, कोई एक मास पकड़ लेते हैं। पहली बात तो किसी भी मास को गोल गोल घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स। बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के गोल गोल नहीं घूम सकता। हमने मान लिया एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, एक पॉइंट डी, तो कोई एक मास ले लेते हैं। मान लीजिए हमने बी वाला मास ले लिया। अब देखते हैं बी वाले मास पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। बी पर एक फोर्स कौन लगाएगा, ए लगाएगा। जितनी दूरी पर ए है उतनी दूरी पर सी। बी पर तीन लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक ए खींचेगा अपनी तरफ, सी खींचेगा अपनी तरफ, और डी खींचेगा अपनी तरफ। टोटल तीन फोर्स लग रहे हैं, समझे। एक लग रहा है एफ ए, एक लग रहा है एफ सी, और एक लग रहा है एफ डी। आप समझिए ए और सी दोनों फोर्स क्या है, सेम। जितनी दूरी पर ए वाला है उतनी दूरी पर सी वाला है। आपने एफ मान लिया, एफ कितना, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बात करते हैं डी, डी की बात करें हो जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन, भैया ये ए है ये ए है, ये गैप कितना होता है, ए रूट टू होता है, तो ए रूट टू से क्या जाएगा, टू ए स्क्वायर, और जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या मानते हैं एफ, तो ये हो जाएगा एफ बाई। मतलब इस डायग्राम को फिर से समझे, इस डायग्राम को यदि हम फिर से समझे तो कुछ ऐसा बनता है, देखिएगा। इस डायग्राम को हम फिर से समझे, ये मास m, ये मास m, ये मास हो गया m, ये मास हो गया m, ठीक है। समझने के लिए सभी के सभी a डिस्टेंस पे हो गए और ये सब गोल गोल घूम रहे हैं, और सर्कुलर मोशन होने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए आपको, सेंट्रीपेटल फोर्स। बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के गोल गोल नहीं घूम सकते। तो हमने कोई एक मास ले लिया a, b, c और d। तो आपने मान लीजिए b वाला मास लिया, तो b वाले मास पर तीन फोर्स लग रहे हैं, एक मास लग रहा है f, ठीक, f c भी f हो जाएगा, एक लग रहा है f और एक जो इधर लग रहा है f d, ये कितना है f by 2। टोटल तीन फोर्स इस पर लग रहे हैं। तो अब यदि हम इसका नेट फोर्स निकालें, ध्यान दीजिएगा, यदि हम इस पे नेट फोर्स निकालना चाहें तो भैया तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है, एफ का और एफ बाई टू का। जब तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना होता है तो पहले दो का रिजल्टेंट निकाल लेते, जितना आता है उसे तीसरे के साथ सॉल्व कर लेते। दोनों फोर्स एफ और एफ कितने एंगल पर है, 90, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, एफ रूट टू। अब ये दोनों खत्म, तो जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा एफ रूट टू प्लस एफ बाई टू। अब बताओ ये नेट फोर्स किधर भी लग रहा है, सेंटर की तरफ, तो यही आपका सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करेगा। तो यहां पर आपके पास सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, f कॉमन निकाल लो, जो हो जाएगा √2 plus 1 by 2। सेंट्रीपेटल फोर्स को क्या लिख सकते हो, mv स्क्वायर अपॉन r, f दिया g m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर √2 plus 1 by 2। अब बात करते हैं r, देखिए ये है रेडियस,
एक न्यूटन डिस्टेंस कितनी थी? a root 2, a root 2 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? a by root 2, ये किसका काम करेगा? रेडियस का, ठीक है? सही है? तो यहाँ से हो जाएगा m b square a by root 2, ये हो जाएगा g m square a square 2 root 2 plus 1 by 2, करो तो नहीं हो गया? सही, एक हो गया, हाँ? a root 2 का half भी a by root 2 होता है, a root 2 का half क्या होता है? a by root 2, ठीक है? सही, मैं तो यहाँ कुछ नहीं पूछा था, m से m कैंसिल, root 2 बन जाएगा, b square root 2 by a, g m by a square 2 root 2 plus 1 upon 2, हाँ? एक a भी कैंसिल है, root 2 कहाँ जाएगा नीचे? तो स्पीड आ जाएगी under root g m 2 root 2 plus 1 upon 2 root 2, 2 root 2 अंदर है ना? एक हाँ, मैं तो जान से पास नहीं पास, ये आपके पास orbital इसकी है।